नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूले और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आज महाषष्ठी है तो कल जो मैंने आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैं मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए जो ड्रेसेस वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि आज महाषष्ठी है तो इनको हमेशा कोई भी त्यौहार होता है जैसे हम लोग नए कपड़े वगैरह पहनते हैं तो इनको भी उसी तरह से ही एक छोटे बच्चे को जैसे आप बिना नए ड्रेस के नहीं लेकर जाते कहीं पर, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर नहीं भी लेके जा रहे तो कम से कम उनको बहुत ही अच्छे से तैयार ज़रूर कर दीजिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं अगर आप है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हम जैसे हमारे दूसरे देवी देवताओं की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की उस तरीके से सेवा नहीं होती है, क्योंकि दूसरे जो भगवान होते हैं हम जैसे शिव जी वगैरह या और भी कोई भी भगवान है उनकी अगर पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि पूजा सुबह करके और उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा देते हैं, बट इनकी सेवा ऐसे नहीं होती है। इनको आपको एक छोटे बच्चे की तरह जैसे हम लोग एक छोटे बच्चे के साथ करते हैं अपने खुद के बच्चे के साथ करते हैं वैसे ही इनको भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये खुद से कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है वैसे ही इनको भी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको सबसे पहले सुबह स्नान वगैरह करवा देना होता है। स्नान करवाने के बाद में आपने जो भी इनके लिए नए वस्त्र वगैरह लेकर आए हैं वो आपको इनको पहनाना है। मैंने कई लोगों के जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको देखा है कि वो अपने लड्डू गोपाल जी से बड़े साइज़ का ड्रेस है ना उनको पहना देते हैं, बट ऐसा कभी मत कीजिए। जैसे हम मार्केट में जाकर अपने बच्चे के साइज़ मतलब साइज़ तो क्या उनके एज के अकॉर्डिंग जो है कपड़े लेकर आते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का साइज़ बताएंगे तो वो दुकान वाला उनके साइज़ के हिसाब से आपको कपड़े दे देगा। कभी भी आप कोशिश ये कीजिए कि अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े साइज़ का कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि अगर हम बड़े कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होते तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी है वो भी कभी भी बड़े कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए आप अपने जो है आप देख सकते हैं मेरे जो ये लड्डू गोपाल जी है इनको मैंने बिल्कुल इनके जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग ही ड्रेस लाकर दी है और ये बिल्कुल इन पर कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इनको जो है पिंक कलर का ड्रेस पहनाई है और उसी के अंदर जो फ्लावर है वाइट कलर का उसी टाइप का ही मैंने मुकुट भी जो है सेम ही लेकर आई हूँ और उसी तरह का ही मैंने इनको जो गले पे मोतियों का और फ्लावर से लटकन टाइप करके दिया है और जो गले में नेकलेस है बैंगल्स है सारा लगभग जो है मैंने मैचिंग ही करने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें इनको पहनने के बाद में। तो आप भी कोशिश यही कीजिए कि आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप इनको जो है ड्रेस पहनाइए और पहनाने के बाद में दोस्तों आपने अपने घर पे जो भी पकाए हैं सिर्फ वो तामसिक या मांस मछली वगैरह नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए या लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल अगर अपने घर पे नहीं पका रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं आप लोग घर पे तो अपने जो है जो भी अपने लड्डू गोपाल जी उनको दूध माखन मिश्री या कुछ भी जैसे इस तरह का मिठाई या मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है उस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सूखे चीज़ें ला के रख सकते हैं, जैसे चेवड़े को दूध के साथ दे दीजिए, इस तरह की अगर आप चीज़ें इनको दे सकते हैं भोग में। तो काफ़ी लोगों के यही मतलब प्रॉब्लम होती है कि मांस मछली है तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और मन में भक्ति भी रहती है क्योंकि ये सिर्फ भाव के ही भूखे हैं और प्रेम और श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। तो हमें उनको उसी तरीके से ही जैसे भी आप रख सकते हैं वैसे रखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए इन्हें कभी भी तामसिक चीज़ों का भोग ना लगाए और इनके जो भी आप भोग में दे रहे हैं उसमें जो है तुलसी दल ज़रूर डालें। अगर इन्हें जल भी दे रहे हैं तो उसमें भी तुलसी दल डालिए और अगर आप भोजन दे रहे हैं उसमें भी तुलसी दल जो है तुलसी का पत्ता जो है उसी को ही तुलसी दल बोला जाता है। तो तुलसी दल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्हें भी एक छोटे बच्चों की तरह आपको जो है दिन में कम से कम 4 बार 5 बार तो देना ही होता है। वैसे तो जो वैष्णव लोग होते हैं वो दिन में 8 बार भी खाना देते हैं इनको, लेकिन इतना जो है सांसारिक लोग इतना कर नहीं पाते हैं तो उसके लिए आपको जो है कम से कम इनको 3 से 4 बार तो देना ही होता है खाना। तो आप इनको कुछ भी ऐसे जैसे छोटे बच्चे जिनके घर पे होते हैं उनके घर पे बिस्किट दूध ये टोस्ट वगैरह हो गया या कुछ भी इस तरह का जो सामान रहता है
वो इनके लिए भी ला के रखिए आप, और इनको भी टाइम टू टाइम आप देते रहिए, क्योंकि इन्हें भी छोटे बच्चे की तरह बार बार भूख लग जाती है ना, वैसे होता है। तो इसी तरह से इनकी सेवा की जाती है, और षष्ठी वाले दिन भी मैंने इनको इसी तरह से रेडी किया है, और भोजन वगैरह भी जो भी हमने घर पे पकाया है उसी तरह से ही इनको चढ़ाकर फिर इनको जो है दिया बत्ती करना पड़ता है बस, क्योंकि भगवान है तो पूजा भी करनी ही पड़ेगी। इसी तरह से ही इनको मैं अपने साथ रखती हूँ। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या आपको कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।